मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस लॉकडाउन के दरमियान सभी मजदूरों को उनके घर जाने के लिए फॉर्म भरवा कर उन्हें यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, भारत के अन्य राज्यों में भेजने की तैयारी चल रही है। अब तक कई ट्रेनें मजदूरों को लेकर महाराष्ट्र से रवाना भी हो चुकी हैं उनके राज्यों तक पहुँचाने के लिए, मगर वहीं हमारे पड़ोसी देश नेपाल के कुछ मजदूर महाराष्ट्र में मजदूरी कर नेपाल में अपने परिवारों का पेट भरा करते थे, मगर आज वो मजदूर खुद महाराष्ट्र में अपना पेट नहीं भर पा रहे हैं। अभी तक न ही उनके नेपाल जाने की कोई व्यवस्था की गई है। मुम्बरा के रशीद कंपाउंड बरकत पार्क में नेपाली मजदूर फंसे हुए हैं, जिनके पास न ही पैसा है और न ही खाने को अनाज। ये लोग भी फॉर्म जमा करने के लिए मुम्बरा पुलिस स्टेशन गए थे, मगर इनका फॉर्म नहीं लिया गया क्योंकि इनके पास जो डॉक्यूमेंट हैं वो नेपाल के हैं। इनसे कहा गया कि अभी तक सिर्फ यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल या फिर भारत के अन्य राज्यों में रहने वाले मजदूरों को भेजा जा रहा है। नेपाल के मजदूरों को नेपाल भेजने का आदेश अभी तक नहीं आया है। रशीद कंपाउंड स्थित बरकत पार्क में नेपाली मजदूरों ने बताया कि वो काफ़ी परेशान हैं, मगर वो चाहते हैं कि किसी भी तरह अपने देश वापस चले जाएं क्योंकि यहाँ उनके पास कुछ बचा नहीं है। सुनिए मुम्बरा के रशीद कंपाउंड बरकत पार्क में फंसे हुए नेपाली मजदूरों ने क्या आप बीती सुनाई है। सर, मेरा नाम नफीस तेली है, मैं जिला बांके से हूँ, 5 नंबर प्रदेश गांव बरका, 6 नंबर 1 गांव कटकुइया गाविस्ता, वार्ड नंबर 8 का हूँ सर। सर वहाँ पे हम लोग गए फॉर्म लेकर, तो वहाँ पे ये कहा गया कि तुम लोग अलग अलग कंट्री को, हम लोग को परमिशन नहीं है, परमिशन जाके लेकर आओ, थाना बोल रहे थे कि थाना जाओ परमिशन लेके आओ। किसके पास? अरे सर उनके नाम आईजी है कि क्या, इनका नाम नहीं मालूम है सर, ऐसे उन लोग बोले। तो हम लोग गांव से आए तभी से लॉकडाउन लग गया सर, बंदी हो गए तभी से। अभी यहां पर क्या काम कर रहे थे आप लोग? बेगारी का काम कर रहे थे सर। तो कुछ आप लोगों के पास खाना पीने का बंदोबस्त है? कुछ नहीं है सर, खाने पीने का कुछ नहीं, वो खाना बढ़ता है वही खाना लाइन लगा के ले लेते हैं, कभी मिलता है कभी मिलता भी नहीं, थोड़ा खाना मिलता है तो वो ला के वही खाते हैं, छोटे छोटे पैकेट में थोड़ा थोड़ा खाना रहता है। हाँ सर, हम नेपाल सरकार से मांग करते हैं कि हमें नेपाली यहाँ मुम्बरा में हैं, इनको यहाँ से निकालने की कोशिश करें। बहुत लोग 10-15-20-25 नेपाली हम लोग हैं सर। आप नेपाल में किस जगह रहते थे और यहाँ मुंबई में आकर क्या काम करते थे? नेपाल में जी हम 1 नंबर क्षेत्र कटकुइया बाके का हैं, यहाँ पे हम लोग आए थे, दिहाड़ी कर रहे थे, लेकिन हम लोग जिस दिन पहुँचे उसके दूसरे दिन लॉकडाउन लग गया है, लेकिन हमको यहाँ से कोई जाने की व्यवस्था नहीं मिल रही है। हमने फॉर्म भी भरा था और बोले थे कि हमें सरावस्ती तक के कोई साधन दिया जाए, जो वहाँ से बॉर्डर नज़दीक है हम वहाँ चले जाएंगे। तो यहाँ बोलते हैं कि मतलब तुम्हारे राज्य का कोई ऐसा कुछ भी सूचना नहीं आया है, तुमको यहाँ से कोई साधन नहीं दिया जाएगा, कोई साधन नहीं दिया जाएगा। हम लोग 3 दिन से लाइन लगा रहे हैं, ये सब फॉर्म भरे, डॉक्टरी मेडिकली सब रिपोर्ट कराए हैं, लेकिन हमें कोई नेपाल का होने की वजह से आप लोगों को जाने की अनुमति नहीं दे रहे। बोल रहे तुम दूसरे देश के हो, तुमको जाने की अनुमति नहीं, मतलब तुम्हारा देश का कोई सूचना ऐसा हमारे पास नहीं आया है। तो आप लोग यहाँ पर कितने लोग रहते हो और आपके नेपाल के लोग इस एरिए में और भी हैं जो आपके संपर्क में हैं? हाँ जी, हमारे यहाँ संपर्क में है, थोड़ा दूरी में रहते हैं, उस साइड में रहते हैं। कौन से एरिए में? यही मुम्बई में रहते हैं, श्रीलंका में रहते हैं। कितने लोग वहाँ पर हैं? वहाँ पे भी लमसम करें 20-25 लोग हैं। और आप लोग यहाँ पर कितने? यहाँ पे हम लोग 7-8 जन हैं, फिलहाल हम लोग 7 जन इस रूम में रहते हैं। तो आप लोग ऐसे में नेपाल सरकार से क्या मांग करेंगे? नेपाल सरकार से हम ये मांग कर रहे हैं कि हमें अपने देश में बुलाया जाए, हमें हमारे देश में बुलाया जाए, हमको हमारे घर पे रख, हमारे मुल्क जाने के लिए कोई व्यवस्था कराया जाए। और इसी तरह से मुंबई के मदनपुरा में भी फंसे नेपाली मजदूरों ने भी हमें वीडियो भेजा है और बताया कि वो काफ़ी परेशान है। बैग बनाने के कारखाने में काम करते थे, मगर लॉकडाउन में बंद होने की वजह से नेपाली मजदूर काफ़ी परेशान है और वो अपने देश नेपाल भी नहीं जा पा रहे हैं। हालांकि उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों ने काफ़ी मदद की है, मगर उन्हें भी उनके देश नेपाल जाने की अनुमति दी जाए क्योंकि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आगे इन नेपाली मजदूरों को खाने का बंदोबस्त आखिर कैसे होगा? सुनिए इन नेपाली मजदूरों ने वीडियो भेज कर क्या मांग की है।
नमस्कार, हम नेपाली हरू यहाँ मुंबई महाराष्ट्र यानी भारत में धेरे दिन देखि फसे छो। लगभग हमी डेढ़ महीना देखि यहाँ आपने जीविका चलाउँदै थियो। केही मात्रा में हमीसंग पैसा थियो र केही मात्रा में हमी का यहाँ का एनजीओ र केही मात्रा में यहाँ का मानिसहरूले हाम्रो मदद गरेको थियो। तर अब हामीसँग न त काम छ न त हामीसँग खाने कुराहरू छ। अब हामीहरूले कृपया गरेर नेपाल सरकारले कि त घर बोलाओ कि त हामीलाई व्यवस्था मिलाएर हामीलाई आफ्नो नेपाल जाने यानी रौतहटवासी हामी हौ हामीलाई घर जाने अनुमति दिन अनुरोध गर्दछौ। हामीलाई यहाँ इन्डिया सरकारले हामीलाई आउन दिइरहेको छैन। इन्डिया सरकारले मात्र यहाँका बिहार भन्ने राज्य छ, बिहार र युपी भन्ने राज्य छ, त्यहाँका मानिसहरूलाई बोलाइरहेको छ। हामीलाई यहाँबाट आउन केही साधन छैन र छैन। त्यसकारणले हाम्रो नेपाल सरकारसँग अनुरोध छ कि कृपया गरेर हामीलाई यहाँ मुंबई महाराज यानी भारतबाट बोलाउन अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। ठाणे जिले के मुमरा और मुंबई के मदनपुरा में फंसे ये नेपाली मजदूर नेपाल सरकार से उन्हें अपने देश नेपाल बुलाने की मांग कर रहे हैं। उम्मीद है कि भारत सरकार भी इन नेपाली मजदूरों को उनके देश नेपाल भेजने के लिए कदम उठाएगी। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।